गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, अपने 12th साहित्य में 12th क्लास हिंदी साहित्य में अपनी बुक चल रही है सरयू, और सरयू के अपन ने अभी तक चैप्टर पढ़ लिए हैं। आज अपना चैप्टर है, पिछला चैप्टर अपन ने पढ़ लिया यशोधरा वाला, जिसमें दो पद्य थे। आज अपना चैप्टर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। चैप्टर थोड़ा बड़ा है इसलिए अपन पढ़ लेते हैं अभी। पहले अपन इनके परिचय से स्टार्ट करते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला, उनका उपनाम है निराला। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 21 फरवरी 1896 को मेदिनीपुर पश्चिमी बंगाल में हुआ। 3 वर्ष की छोटी अवस्था में ही निराला जी की माता का निधन हो गया। युवावस्था तक आते आते पिताजी का भी निधन हो गया। निराला का संपूर्ण जीवन संघर्षमय रहा है। इलाहाबाद से निराला जी की कई स्मृतियां जुड़ी रही हैं। निराला जी का निधन 15 अक्टूबर 1971 को हुआ। छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक निराला हिंदी साहित्य, हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। निराला के प्रमुख काव्य संग्रह है अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, अणिमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत कुंज आदि। निराला का गद्य साहित्य भी काफी लोकप्रिय रहा है। अब देखिए इनका पाठ। प्रस्तुत काव्यांश निराला जी की राम की शक्ति पूजा से संकलित है। इसमें अन्याय पर न्याय की, असत पर सत की और अधर्म पर धर्म की, रावण पर राम की और अंततः निराशा पर आशा की विजय दिखलाकर सांस्कृतिक प्रतिमानों को प्रस्तुत किया गया है। यह कविता मानव मन में अंतर्द्वंद्वों की कथा है, जो मानव जीवन के अनवरत संघर्ष में विद्यमान जिजीविषा को व्यक्त करती है। जिजीविषा यानी जीवन जीने की इच्छा, तो जिजीविषा को व्यक्त करती है। प्रस्तुत कविता में राम रावण युद्ध सत्य और असत्य की दो विरोधी प्रवृत्तियों की टकराहट है। व्यक्ति को राम की तरह विपदा और संकटकालीन परिस्थितियों में अपने संगी मित्रों से परामर्श लेकर कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। सीता का अपहरण कर अट्ठास कर रहे रावण के साथ शक्ति को देखकर, शक्ति यानी साक्षात दुर्गा, शक्ति को देखकर राम निराश हो जाते हैं, किंतु विभीषण, जामवंत, हनुमान आदि मित्रों की सलाह पर शक्ति की उपासना करते हैं। राम का यह संघर्ष विषमता और हताशा से त्रस्त मानवता को दानवता की शक्ति संपन्नता के विरुद्ध निरंतर संघर्ष करने की प्रेरणा देता है। पराजित होकर भी मानव को मन से हार स्वीकार नहीं करनी चाहिए। राम की यही शक्ति पूजा का आशावादी संदेश है। अब देखिए अपन चैप्टर स्टार्ट करते हैं राम की शक्ति पूजा। तो ये पद अपन स्टार्ट करेंगे। आपको परिचय करना है, फिर उसके बाद में चैप्टर है। अमानिशा का मतलब, निशा मतलब रात्रि, अमा यानी अमावस की रात्रि, अमानिशा है। अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार है। अमानिशा अमावस की एक रात्रि को उगलता गगन यानी आकाश उगल रहा है, घन अंधकार बादलों से भयंकर अंधकार। अमावस की एक रात्रि है जिससे, अमावस की एक रात्रि में बादल है जो भयंकर अंधकार को उगल रहे हैं, अर्थात अमावस की एकदम काली रात है और गहन अंधकार छाया हुआ है। खो रहा दिशा का ज्ञान और इतना अंधकार है कि दिशाओं का ज्ञान भी नहीं हो रहा। स्तब्ध है पवन चार पवन चार यानी पवन का चलना, चारण चलना, स्तब्ध यानी एकदम शांत, एकदम चुप। जो पवन है यानी हवा भी एकदम शांत है, यानी किसी प्रकार की हलचल नहीं है। ऐ प्रतिहत गरज रहा पीछे अम्बुदी विशाल, ऐ प्रतिहत यानी बिना किसी रोक के गरज रहा पीछे अम्बुदी, अम्बुदी यानी समुद्र विशाल, जो पीछे है यानी समुद्र किनारे। राम कहाँ बैठे हैं? समुद्र किनारे, विशाल समुद्र के किनारे वो बैठे हैं।
और एकदम चारों तरफ अमावस की एक रात्रि है और भयंकर अंधकार हो रहा है। इतना अंधकार है कि ये भी पता नहीं चल रहा कि कौन सी दिशाएं हैं, किस तरफ कौन सी दिशा है, और हवा भी एकदम शांत है। और जो राम बैठे हैं किनारे पे, तो जो राम के पीछे क्या है, विशाल समुद्र है, वो बिना किसी रोक टोक के गर्जना कर रहा है। भूधर जो ध्यान मग्न, भूधर का मतलब क्या होता है, पर्वत, है ना, और ध्यान मग्न यानी पर्वत के समान ध्यान मग्न है, कौन, राम के लिए कहा जा रहा है कि राम धरती जो किनारे पर बैठे हैं धरती पर, और एकदम जैसे पर्वत होता है वो हिलता ही नहीं है, तो वैसे भी राम किसी ध्यान में लीन है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई पर्वत हो, यानी बिना हिल डोल के, बिना किसी प्रकार की उनमें हिलने डुलने की कोई हरकत नहीं हो रही। केवल जलती मशाल, और जो तट है वो तट पूरा एकदम शांत है, केवल एक समुद्र की लहरें गर्जनाएं कर रही है, और ऐसा लग रहा है जैसे केवल एक मशाल जल रही है। आ गया समझ में, है अमानिशा उगलता गगन घनसार, यानी कवि निराला कह रहे हैं कि अमावस की एक अंधेरी रात है और आकाश एकदम अंधकार उगल रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे केवल अंधकार है आकाश में, और इतना अंधकार है कि दिशाएं भी पहचान में नहीं आ रही कि कौन सी दिशा किधर है, और पवनचार यानी वायु एकदम शांत है, यानी हवा एकदम बंद है। बिना रोक टोक के पीछे विशाल जो समुद्र है वो गर्जना कर रहा है, और राम धरती पर इस प्रकार बैठे हैं, जिस ध्यान मग्न इस प्रकार हैं जिस प्रकार कोई पर्वत हो, यानी एकदम स्थिर। केवल जलती मशाल, और वहाँ केवल एक मशाल जल रही है। ठीक है, अब देखिए आगे। स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय, स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय, रह रह उठता जग जीवन में रावण जय का भय। यानी कभी क्या कह रहे हैं, स्थिर राघवेंद्र को, जो राम है वो एकदम स्थिर है, यानी राम जो है वो ध्यान मग्न बैठे हैं, और एकदम स्थिरता उनके अंदर, एकदम स्थिरता, किसी प्रकार के कोई हलचल नहीं है, लेकिन हिला रहा फिर संशय, लेकिन उनके मन में किसी प्रकार का संशय है, कोई भय है, किसी प्रकार का संशय है, वो बार बार उनको अंदर से हिला रहा है, यानी ऐसा लग रहा है जैसे उनके धैर्य को भंग कर रहा है, कोई हृदय में उनके बार बार किसी प्रकार का कोई संशय उत्पन्न हो रहा है, जिससे उनका ध्यान बार बार भंग हो रहा है। जो नहीं हुआ आज तक हृदय रिपु दम में श्रांत, श्रांत यानी श्रांत का मतलब होता है व्यथित, और रिपु दम्य मतलब रिपु यानी शत्रु, और दम्य मतलब दमन करने वाला, शत्रुओं का दमन करने वाला। जो नहीं हुआ आज तक हृदय रिपु दम्य श्रांत, जो राम कह रहे हैं अपने स्वयं मन में, वो प्रश्न कर रहे हैं कि जो नहीं हुआ आज तक हृदय यानी मेरा हृदय, राम का जो हृदय, कवि निराला कह रहे हैं कि राम के मन में बार बार किसी प्रकार का कोई संशय उठ रहा है, और जिसके कारण उनका बार बार ध्यान भंग हो रहा है, तो कवि कह रहे हैं जो नहीं हुआ आज तक हृदय रिपुदम में, यानी जो हृदय, जो उनका हृदय है वो आज तक शत्रुओं का दमन करने में किसी प्रकार से व्यथित नहीं हुआ, यानी रावण की जय पर, रावण विजय पर उनको संशय हो रहा है, लेकिन उनका हृदय इस संशय से ही बार बार क्या हो रहा है, व्यथित हो रहा है, शत्रुओं का दमन करने वाला। राम सोच रहे हैं कि उनका हृदय कभी भी इस प्रकार से अशांत नहीं हुआ, उनका हृदय सदैव हमेशा शत्रुओं का दमन करता रहा है, यानी शत्रुओं का नाश करता रहा है, लेकिन कभी भी उनके मन में इस प्रकार से अशांति नहीं हुई। एक भी अयुत लक्ष्य में रहा जो दुराकांत, एक भी, परंतु आज तक कभी कोई एक भी उनके हृदय में ऐसा नहीं आया जिसने उनके हृदय को अशांत कर दिया हो, यानी कभी भी किसी शत्रु के आगे उनका हृदय इस प्रकार विचलित नहीं हुआ, यानी आज तक कितने ही शत्रुओं का उन्होंने दमन किया होगा, लेकिन कभी भी उनके मन में कोई एक भी ऐसा शत्रु नहीं आया। एक भी अयुत लक्ष्य मतलब हजारों लाखों में हो रहा जो दुराकांत, यानी अयुत लक्ष्य यानी हजार लाख, दुराकांत यानी आक्रमण करने, जो आक्रमण का लक्ष्य होता है वो आक्रमण का लक्ष्य बनता है। तो कवि कह रहा है, कौन, कवि निराला जी कह रहे हैं कि राम अपने हृदय में क्या सोच रहे हैं कि आज तक हजारों लाखों शत्रुओं को मैंने
युद्ध की भावना से लड़ते देखा है, लेकिन किसी एक को लेकर भी आज तक मेरे हृदय में किसी प्रकार का कोई विचलन नहीं हुआ। असमर्थ मानता मन उद्यत हो हार हार, और आज कल लड़ने को हो रहा विकल वह बार बार। ऊपर वाली लाइन है, पहले देखो यहाँ से, कि कल लड़ने को विकल वह बार बार असमर्थ मानता, लेकिन कल के लिए राम क्या सोच रहे हैं? कवि नीलाला जी कह रहे हैं कि एक बार मैं आपको यहाँ तक बता दूँ, फिर एक साथ बता देंगे, है ना, कि कल के युद्ध को लेकर, कल लड़ने के लिए विकल रहा वह बार बार। विकल यानी बेचैन हो रहा है, कल युद्ध को लड़ने से वो मेरा हृदय जो है वो कल युद्ध लड़ने से बेचैन हो रहा है। असमर्थ मानता, और अपने आप को असमर्थ मानकर मन, जो मेरा मन है, उद्यत हो हार हार, ऐसा लग रहा है जैसे उसमें हार की भावना आ रही है, यानी कल युद्ध लड़ने के नाम से मेरा हृदय विचलित हो रहा है, और अपनी हार को यानी कल के युद्ध में अपनी पराजय मानकर वो युद्ध लड़ने में असमर्थ हो रहा है। अब देखो मैं एक साथ बता देती हूँ, यहाँ तक तो अपन ने पढ़ लिया था। तो यहाँ कवि कह रहा है कि जो राम है वो एकदम स्थिर है, लेकिन फिर भी कोई संशय उनके हृदय को बार बार विचलित कर रहा है, और रह रहकर हृदय में रावण की विजय का जो भय है वो उनके हृदय में बार बार में रह रहकर उठ रहा है। और जो नहीं हुआ अपने हृदय के बारे में, यानी अपने बारे में, अपने मन के बारे में कवि राम सोचते हुए कह रहे हैं कि कवि निराला कह रहे हैं कि राम सोच रहे हैं कि आज तक हजारों लाखों शत्रुओं को दमन करने में, आज तक हजारों लाखों शत्रुओं का दमन करने में मेरा हृदय कभी भी विचलित नहीं हुआ। हजारों लाखों में कोई एक भी ऐसा नहीं हुआ जिसने मेरे हृदय को विचलित किया हो, लेकिन कल युद्ध लड़ने के लिए मेरा हृदय बेचैन हो रहा है, और अपनी हार को बार बार अपनी हार को मानकर वो युद्ध लड़ने में असमर्थ हो रहा है। यानी ऐसा लग रहा है उनको कि जैसे कल शायद मेरी युद्ध में पराजय होगी, और इस पराजय को जानकर, इस पराजय को सोचकर जो उनका हृदय है वो बार बार बेचैन हो रहा है। आगे अब यहाँ तक अब देखो, कुछ क्षण तक रहकर मौन सहज निज कोमल स्वर में, कुछ क्षण तक रहकर मौन, कुछ क्षण तक राम ये सोचकर, राम ध्यानमग्न बैठे तो कुछ क्षण तक वो मौन रहकर, कुछ क्षण तक रहकर मौन सहज निज कोमल स्वर बोले रघुमणि। कुछ क्षण तक राम एकदम मौन रहे, और कुछ क्षणों तक मौन रहकर फिर राम एकदम कोमल स्वर में बोलते हैं, मित्रवर विजय होगी न, अपने मित्रों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे मित्रवर विजय होगी न समर में, यानी कल युद्ध में हमारी विजय नहीं होगी, विजय होगी न समर, कल के युद्ध में हमारी विजय नहीं होगी, यह नहीं रहा नर। ध्यान से सुनना, देखो एक एक शब्द के कारण हमारा अर्थ है वो पूरा पलट जाता है। जहाँ अपन कहें विराम चिन्ह एक इतनी बड़ी है चीज़ कि उसके लगाने से अर्थ में अनर्थ आ जाता है, हम जिस चीज़ को हाँ में लेकर सोच रहे हैं वो उसका उत्तर ना में बदल जाता है। इसलिए एक एक चीज़ को आप ध्यान से सुनिए, यह नहीं रहा नर वानर का राक्षस से रण। राम कह रहे हैं, अपने मित्रों को कह रहे हैं, अपनी जो वानर सेना है उसको संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे मित्रवर विजय होगी न, विजय नहीं होगी समर, इस युद्ध में हमारी विजय नहीं होगी। क्यों यह नहीं रहा, क्योंकि यह युद्ध है, यह जो युद्ध है वो नर और वानर का, यानी मनुष्य और वानरों का, राक्षसों से युद्ध नहीं है। यानी एक तरफ राम की सेना में कौन है, नर है और वानर है, दूसरी तरफ राक्षस है। तो वो राम कह रहे हैं कि यह केवल नर वानर का, राक्षसों से युद्ध नहीं है। उत्तरी पा महाशक्ति रावण से आमंत्रण क्यों नहीं है, क्योंकि उत्तरी पा महाशक्ति, क्योंकि इस युद्ध में महाशक्ति जो है यानी साक्षात देवी शक्ति रूप, जिसको अपन कहते हैं शक्ति रूप कौन, दुर्गा का साक्षात चंडी जो रूप है, शक्ति रूप है, उसके लिए राम कह रहे हैं कि उत्तरी पा महाशक्ति रावण से आमंत्रण, क्योंकि इस युद्ध में रावण के आमंत्रण से महाशक्ति है वो युद्ध में उतर गई है। अन्याय जिधर है उधर शक्ति, अब राम स्वयं ही कह रहे हैं कि देखिए जिधर अन्याय है उधर ही शक्ति है, कहते ये कहते हुए छल छल हो गए नयन,
क्योंकि राम को दुख हो रहा है कि जहाँ एक तरफ साक्षात शक्ति है और शक्ति के साथ जहाँ शक्ति है वहाँ विजय है, क्योंकि जहाँ साक्षात शक्ति का रूप रावण के साथ हो गया तो इसका मतलब वहाँ विजय होगी। लेकिन राम को ये मन में अफसोस भी हो रहा है, इसलिए वो कह रहे हैं कि जिधर अन्याय है उधर शक्ति है, यानी जिधर अन्याय हो रहा है उधर ही शक्ति है। ये कहते हुए राम की आंखों से आंसू बह निकले। कुछ बूंद पुनः ढल के द्रग जल, और कुछ बूंदे पुनः जब उनकी आंखों से नीचे ढल जाती है, रुक गया कंठ, और ये कहते कहते उनके जो कंठ है वो भर जाते हैं, मतलब रुंध जाते हैं, चमका। अब देखो यहाँ तक आप समझिए कि यह कहते हुए क्या हो गया, उनके कंठ एकदम भर जाते हैं, भावुक हो जाते हैं वो, कि ये मेरी कैसी विवशता है कि जिधर अन्याय है उधर ही शक्ति है, तो फिर जिधर शक्ति है उधर ही विजय होगी। इसलिए वो कह रहे हैं कि इस युद्ध में हमारी विजय नहीं होगी, क्योंकि ये केवल साधारण मनुष्यों का और वानरों का, केवल राक्षसों से ही युद्ध नहीं है, इस युद्ध में तो साक्षात जो शक्ति है वो रावण के आमंत्रण से आ चुकी है, यानी रावण ने उनको आमंत्रण देकर अपने साथ बुला लिया है। अब जब राम की ये स्थिति हो गई तो देखो रुक गया कंठ, उनका ये कहते कहते उनका कंठ रुक जाता है, और जब उनके कंठ भर जाते हैं, यानी अपने जब भर जाते हैं ना बोलते बोलते, तब देखो चमका लक्ष्मण तेज प्रचंड, और यह राम का ये रुंधा हुआ कंठ देखकर लक्ष्मण के चेहरे का जो तेज है वो एकदम प्रचंड हो जाता है, यानी वो क्रोधित रूप में आ जाते हैं। धस गया धरा में कपि गह युगपद, और चमका लक्ष्मण तेज प्रचंड, राम जो लक्ष्मण है उनके चेहरे से एकदम क्रोधित रूप से तेज सा प्रचंड तेज प्रकट होता है, और क्या होता है प्रचंड वो प्रकट होकर धस गया धरा में, और उनके चेहरे से निकलकर वो धरती में धस जाता है। कपि गह युगपद, कपि गह युगपद मसंग मसक दंड स्थिर जामवान। कपि, कपि कौन है, कपि किसको कहा है, वानर को। तो कपि गह युगपद मसक दंड, मसक दंड यानी जो कौन, कवि निराला जी, वो कह रहे हैं कि जब लक्ष्मण के चेहरे से प्रचंड तेज निकला और वो धरती में धस गया, और हनुमान जी कपि यानी हनुमान गह युगपद, हनुमान धरती पर बैठकर राम के, यानी धरती पर ही है वो, तो वो कपि गह युगपद, जो वानर कौन हनुमान जी है, गह युगपद राम के दोनों पांवों को, यानी राम के दोनों चरणों को पकड़ लेते हैं। मसक दंड स्थिर जामवंत, और मसक दंड जामवंत जो है वो अपने भुजदंडों पर, यानी मसक दंड स्थिर जामवंत, जो जामवंत है वो अपने भुजाओं को दबाते हुए शांत है। मसक दंड स्थिर जामवंत, मसक दंड यानी जो जामवंत है वो अपने भुजाओं को दबाते हैं, मतलब अपने आप को स्थिर रखने के लिए अपनी भुजाओं को दबाते हैं। स्थिर जामवंत, जो जामवंत है वो एकदम स्थिर है, यानी एकदम शांत है। समझते हुए जो शकल भाव, और सारे भाव को, यानी जहाँ यहाँ जो बातचीत हो रही है और जो स्थिति बन गई है उन सारी बातों को समझते हुए, व्याकुल सुग्रीव यानी जो स्थिति है उस स्थिति के सारे भावों को समझते हुए जो सुग्रीव है वो एकदम व्याकुल हो जाते हैं। हुआ उर में जो विषम घाव, और ये बात उनके हृदय को एकदम, विषम घाव का मतलब ये बात उनके हृदय को बहुत दुखी कर देती है। निश्चित सा करते हुए विभीषण कार्यक्रम, और इस बात को जब सबका माहौल, सब वहाँ जो वहाँ का जो माहौल है वो कैसा हो गया, एकदम दुखी हो गया, जब राम ही इतनी निराशा में आ गए तो जो सेना का प्रमुख है, जब राजा ही सेना में निराश हो जाता है तो सेना का तो मनोबल टूटना ही है, तो जब राम को ऐसे निराशा के भाव में देखते हैं तो सबके मनोबल टूटने लग जाते हैं। लक्ष्मण क्रोधित होते हैं, और क्रोध होने से उनके चेहरे से एकदम तेज प्रकट होता है, और वो तेज इतना होता है कि वो उनके चेहरे से निकल कर, यानी जो उनका क्रोध का रूप है वो उनके चेहरे से निकल कर धरती में धस जाता है, और यह देखकर जो हनुमान है वो उनके दोनों चरण पकड़कर बैठ जाते हैं। जामवंत है, जो जामवंत अपनी भुजाओं को स्थिर करते हुए, यानी जामवंत अपने जो भुजदंड है उनको दबाते हुए, यानी मसक दंड का मतलब उनकी भुजाओं को दबाते हुए, स्थिर जामवंत, जामवंत का भाव एकदम स्थिर है।
यानी एकदम शांत है। और ये सारे भाव को समझते हुए, ये भी सबके चेहरे उदास हैं, सबके अलग अलग भाव प्रकट हो रहे हैं, तो सुग्रीव का मन व्याकुल हो जाता है और ये बात उसके हृदय को दुखी कर देती है। और सारी बातों को समझते हुए विभीषण है, वो निश्चित सा करते हुए विभीषण कार्यक्रम, जो विभीषण है वो सारी बातों को समझते हुए हृदय को चोट पहुँचती है उनके। ये देखो, हुआ उनमें विषम घाव, निश्चित सा करते हुए विभीषण कार्यक्रम, सारे यहाँ का जो विभीषण का हृदय है वो इस बात से गहरा आघात पहुँचता है और वो सारी बातों को स्थिर करते हुए, निश्चय करते हुए चुप रहते हैं। अब देखो, मौन में रहा जो स्पंदित वातावरण विषम, और इस प्रकार वहाँ का जो वातावरण है वो एकदम शांत और चुप सा है, यानी वहाँ सभी चुप है, कोई कुछ भी नहीं कर पा रहा या कोई कुछ भी नहीं बोल पा रहा। मौन में रहा स्पंदित वातावरण विषम, वहाँ का जो विषम वातावरण है यानी सारा जो व्यथित वातावरण है, दुखी करने वाला वातावरण है, वो सब क्या है, एकदम दुखी है और शांत है, उनमें कोई भी कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं कर पा रहा, यानी कोई भी कुछ भी नहीं बोल पा रहा। निज सहज रूप में संयत हो जानकी प्राण, निज सहज रूप में संयत, संयत ने स्वयं को स्थिर करना, निज सहज रूप में संयत हो जानकी प्राण, और राम है वो अपने आप को सहज स्वभाव के अनुसार एकदम निज सहज रूप में संयत हो जानकी प्राण, जो जानकी प्राण मतलब जानकी के प्रिय यानी श्री राम, जो श्री राम है वो अपने आप को संयत कर यानी इतनी देर तो निराशित हो रहे हैं एकदम और व्यथित हो रहे हैं, तो अपने आप को उस व्यथित रूप में संयत करते हुए बोलते हैं, निज सहज रूप में संयत हो जानकी प्राण बोले, यानी अपने आप को थोड़ा संयत करके और सहज रूप में लाकर राम बोलते हैं, आया न समझ में यह देवी का विधान। वो कहते हैं कि देवी का जो ये विधान है, यानी साक्षात देवी रावण की तरफ उतर गई है, तो मुझे देवी का यह विधान समझ में नहीं आया। आया ने समझ में यह देवी विधान, मुझे साक्षात देवी का यह विधान समझ में नहीं आया। क्या कि भाई जिधर अन्याय है उधर ही साक्षात शक्ति खड़ी है, तो वो कह रहे हैं कि मुझे देवी का यह विधान समझ में नहीं आया। रावण अधर्मत भी अपना मैं हुआ अपर। अब देखो इस लाइन का ध्यान से सुनो, रावण अधर्मत भी, रावण है वो अधर्मी होकर भी हुआ अपना, यानी रावण है जो अधर्मी होकर भी शक्ति का अपना हो गया, किसका, साक्षात देवी का यानी ईश्वर का, यानी राम के लिए तो ईश्वर क्या है, शक्ति है, वो तो स्वरूप है, और किसका स्वरूप है, नारायण का स्वरूप है, लेकिन राम मनुष्य जीवन में है तो मनुष्य रूप में ही वो विलाप कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि साक्षात जो रावण है वो अधर्मी है अपना, और वो अधर्मी होकर भी दुर्गा का अपना है, यानी वो अधर्मी होकर भी उनका अपना हुआ, मैं हुआ अपर और मैं उनके लिए पराया हो गया, यानी रावण अधर्मी है लेकिन फिर भी ईश्वर भगवान देवी साक्षात दुर्गा के लिए वो अपना हो गया और मैं उनके लिए पराया हो गया। यह रहा शक्ति का खेल समर शंकर शंकर, यह रहा शक्ति का खेल, तो राम कह रहे हैं कि यह तो केवल एक शक्ति का खेल रह गया, यानी रावण अधर्मी है लेकिन फिर भी देवी उसका सहायता कर रही है, रावण अधर्म के आचरण पर चल रहा है लेकिन फिर भी देवी ने उसको अपना अपनाया है, और मैं धर्म के मार्ग पर हूँ लेकिन फिर भी मैं पराया हो गया, यह खेल जो है वो केवल शक्ति का खेल है। शिव शिव, यानी राम ईश्वर को याद करते हैं कि हाँ शिव शिव। कर्ता में योजित बार बार शर निकर निश्चित, कर्ता में योजित बार बार, राम कह रहे हैं कि कर्ता में योजित बार बार, मैं अपने बाणों को बार बार धनुष पर योजित, योजित मतलब स्थापित करता हूँ, कर्ता में योजित बार बार शर निकर निश्चित, मैं अपने धनुष पर बाणों को बार बार योजित करता हूँ मतलब स्थिर करता हूँ। हो सकती जिनसे ये संस्कृति संपूर्ण विजित, अब राम कह रहे हैं
कि मैं अपने धनुष पर बार बार बाणों को स्थिर करता हूँ, यानी चढ़ाता हूँ, मतलब योजित करता हूँ, मतलब निश्चित करता हूँ। हो सकती और उनसे हो सकती है संस्कृति संपूर्ण विजित, ये संपूर्ण जो संस्कृति है उन बाणों से विजित, यानी अपनी बाणों की वो जो शक्ति है वो उसको बता रहे हैं कि मेरे बाणों में वो शक्ति है जो संपूर्ण संस्कृति को विजित कर सकती है। जो तेज पुंज, उनमें ऐसा तेज पुंज है सृष्टि की रक्षा का विचार, उनमें ऐसा तेज पुंज है जो समस्त सृष्टि की रक्षा के उपयोगी है। जिनमें निहित पतन घातक संस्कृति अपार, और जिसमें संपूर्ण संस्कृति के पतन की अपार घातक शक्ति स्थापित है, या अपार घातक शक्ति जिनमें विराजमान है, यानी जिनमें स्थापित है, यानी मेरे बाणों का जो तेज है, जो पुंज, जो तेज पुंज है, वो इस सृष्टि की रक्षा और इसकी शुभ भावना, जिसमें समस्त सृष्टि के विनाश और उसके संचालन की शक्ति विद्यमान है। यानी केवल राम क्या कह रहे हैं, इनका मतलब इन लाइनों का क्या भाव है, इनका भाव यह है कि केवल उनमें संस्कृति के पालन ही नहीं है भाई, केवल हम संस्कृति के पालन के लिए ही नहीं, मेरे बाणों में वो शक्ति है जो इस समस्त संस्कृति के पालन और इसके पतन की अपार शक्ति जो रखते हैं। तो यानी मेरे बाण इस संपूर्ण संस्कृति का विनाश भी कर सकते हैं, केवल पालन ही नहीं, उनमें विनाश की भी अपार घातक शक्ति स्थापित है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया ना? देखो एक बार में तो अपन चैप्टर पूरा नहीं करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है, अभी आपको एक बार में इतना समझ में नहीं आएगा। तो अपन ने जहाँ तक पढ़ लिया है, यानी अपन ने नीचे यहाँ तक पढ़ लिया है, आपने मैंने बुक ऊपर नहीं सरकाई, आपको समझ में नहीं आया क्या? देखो तो मैं आपको एक बार समझा देती हूँ नीचे की लाइनें, कि जो रावण है, यानी राम कह रहे हैं, राम एकदम स्थिर है, अमावस की एक अंधकार की काली एक रात है जिसमें आसमान में भयंकर अंधकार है, इतना अंधकार है कि दिशाओं का भी ज्ञान नहीं हो रहा, और जो विशाल समुद्र है वो गर्जना कर रहा है, केवल उसके समुद्र की गर्जना की आवाज़ है, और हवा भी एकदम बंद है, केवल मशाल जल रही है। राम एकदम स्थिर मौन में ध्यान में बैठे हैं, और किसी प्रकार का जो संशय है वो उनको बार बार विचलित कर रहा है, और उनके मन में ये संशय है कि शायद कल के युद्ध में रावण से विजय नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उनको ये भय है, उनका मन विचलित हो रहा है, और वो ये कह रहा है कि आज तक मेरा मन कभी विचलित नहीं हुआ है, मैंने हजारों लाखों शत्रुओं का मैंने दमन किया है, लेकिन फिर भी किसी एक के कारण भी कभी मेरा मन विचलित नहीं हुआ, लेकिन आज मुझे रावण की विजय का भय बार बार सता रहा है। और वो क्यों? क्योंकि राम को ये है कि शक्ति की आराधना करके राम जो रावण है उसने अपनी सेना में शक्ति को स्थापित कर लिया है, इसलिए रावण इसलिए भी व्यथित है कि जो रावण है वो अधर्मी है, और अधर्म के मार्ग पर चलते हुए भी शक्ति उनकी तरफ है, मैं धर्म के मार्ग पर चलकर भी शक्ति के लिए पराया हूँ, देवी दुर्गा उनकी तरफ है, इसलिए वो कह रहे हैं कि वो अधर्मी है, फिर भी वो शक्ति का देवी जो दुर्गा है वो उनकी तरफ है, और इसलिए राम कह रहे हैं कि ये खेल केवल एक शक्ति का है, यानी युद्ध जो है वो केवल शक्ति का युद्ध है। क्यों? क्योंकि राम के जो बाण हैं, राम कह रहे हैं कि मेरे बाणों में इस संस्कृति के समस्त पालन की और समस्त पतन की शक्ति विद्यमान है। जो तेज पुंज मेरे बाणों में स्थापित है वो सृष्टि की रक्षा के विचार के लिए है, केवल उसके विनाश के लिए ही नहीं है। तो इसलिए जिनमें निहित पतन घातक संस्कृति अपार, जिनमें इस संस्कृति के पतन की अपार घातक संस्कृति जो शक्ति है वो विराजमान है, लेकिन फिर भी मेरे मन में ये संशय है कि शक्ति जो है वो केवल धर्म के उपयोग के लिए ही होनी चाहिए। तो आज अपन ने यहाँ तक पढ़ लिया, फिर एक साथ आपको बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आ पाएगा, इसलिए आगे का अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। आप यहाँ तक इसकी व्याख्या समझिए और नोटबुक में करिए, ठीक है।